गाइस एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो गए होंगे, अब मेरी भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। पर एक बात जरूर है, और अभी आइसक्रीम वाला आ गया है तो अब उसका जाने का इंतजार करते हैं। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था, टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा बोरिंग काम होता है, है ना यार। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपका टाइम वेस्ट नहीं बल्कि आपका टाइम यूटिलाइज करेंगी। तो आज हम लोग इसको अनबॉक्स भी करेंगे और यूज भी करके देखेंगे कि कैसी हैं और असली में हम लोग उससे बोर नहीं होते क्या। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। योयो है और रयान इससे 24 घंटे खेलते रहते, 24 आवर्स। और ये हो गया योयो। तो भाई ये है पहली एक्टिविटी, योयो। ओके, योयो बिकॉज ऑफ रयान आई एम शोइंग दिस बिकॉज रयान सेड शो माय योयो, शो माय योयो, शो माय योयो, सो आई हैड टू डू दिस। So now, this was the first activity. It is actually very good and do not keep you bored. So let's move on to the second activity. ये है first activity जो कि आप देख सकते हैं paints हैं। मगर ये कोई ऐसे वैसे paints नहीं है। These are finger paints. और जैसे आपको पता है कुछ finger paint toxic हो सकते हैं, बच्चों के लिए dangerous हो सकते हैं। But ये वाले finger paints बने हैं food color के साथ, addition with food colors. And these paints are non-toxic. और एक और बात भी है, जब लाइक आप इसको अपने सिबलिंग्स कजन्स के साथ भी खेल सकते हैं और बहुत सारे मतलब जहां आपको चाहिए वहां खेल सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर होती है पेंट्स के साथ कि जैसे पेंट्स पे कपड़ों पे पेंट कर दिया तो वो लाइक ईजिली वॉशेबल नहीं होता। लेकिन ये वाले जो पेंट्स हैं, दीज आर वेरी ईजिली वॉशेबल पेंट्स। अभी हम लोग आज इनको यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हम लोग अभी अपनी सारी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं फिर इनके पास। तो गाइस, सेकंड नंबर पे आती है ये एक्टिविटी। दिस इज अ 3D पजल। Oh my god. So guys, this is 3D and it will be formed into a beautiful house. It has 4 sheets and 33 pieces in it. So guys, dekhte hain ki iski making kitni easy hai aur yahan numbers diye hue hain waise to aur jaise numbers diye hue waise hi bahut acche hain. Oh, acha. So he will also make it, okay? तो जैसे यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं वैसे इनकी मेक भी, इनको बनाना भी वही है। तो वी विल आल्सो यूज दिस एंड आई होप दैट दिस विल टर्न इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। गाइस, ये है स्क्रैच नोट्स और इनके साथ दिया हुआ है एक वुडन पेन जो कि हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये वाला भी आपको अच्छा लगा। तो गाइस, इनके साथ दिया हुआ है एक वुड पेन जो कि यूज हो सकता है लिखने के लिए। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको यूज करा हुआ होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या लिखते हैं और क्या ये असली में काम करता भी है। तो आई होप दिस विल आल्सो बी वेरी अमेजिंग और हमारी इस दफा समर वेकेशन बहुत अच्छे से गुजरने वाली है। आपने ऐसा मैजिक सोचा है जिसके बगैर कलर पेंसिल के कलर हो जाए? कलर के बगैर कैसे हो सकते हैं? और वो इसलिए है क्योंकि ये है मैजिक कलर जिनके अंदर हमें ना तो है कोई पेंट्स की जरूरत है और ज्यादा पेजेस वेस्ट भी नहीं करना है। बस आपको अपना पेन ऐसे करना है और आपका कलर हो जाएगा। ये तुम भी कलर कर सकते हो इसके ऊपर, बेस्ट। तो अभी तो ये सरप्राइज रहेगा, लेकिन हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, जो हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है वो है रिसाइकल ट्रक किट, जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारे पीसेस मिलते हैं ट्रक के, जिनको हम लोगों को असेंबल करना है और फिर उनके ऊपर कलर्स करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पेंट ब्रश भी दिया हुआ, पेंट भी दिए हैं बहुत सारे, यहाँ अपने स्क्रू भी दिए हैं और टायर्स भी दिए हैं वुडन। इनके आई नो बिकॉज यू लव कार्स, राइट? तो ये इनके ऊपर जब हम लोग कलर कर लेंगे तो ये पूरा रिसाइकल ट्रक बन जाएगा। कैन यू इवन थिंक ऑफ इट, जस्ट बाय वुड। So let's start the video by unboxing our first activity and using it. तो रयान, अब आप इनको चूज करेंगे कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपको पहले करनी है। The finger paints. Let's do this activity. Let's start. So guys, रयान, अगर पेंट्स की बात आए तो रयान सबसे आगे होगा क्योंकि रयान को पेंट्स बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा मैसी भी कर देता है। लेकिन अब देखते हैं कि इन पेंट की मैसे रयान मैसी ज्यादा करता है या फिर अपन कोई अच्छी चीज बनाता है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। वी हैव टेकन सम पेपर्स एंड लेट्स सी कि रयान और मैं क्या बना सकते हैं इन पे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लेट्स ओपन इट। और यहाँ से खुल गया है और यहाँ से थोड़ा सा खराब भी हो गया है। और यहाँ हमारे पास 6 पेंट्स आ गए क्योंकि हमारे प्राइमरी पेंट्स हैं येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, डार्क ब्लू है वैसे तो ये, ग्रीन एंड पर्पल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कलरिंग।
सो गाइस अब हो गई है फिंगर पेंट की बारी और पहले मैं रेयान के हैंड पे रेड पेंट करूंगा और फिर आप देखिएगा कि क्या बनाना है। चलो तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं रयान ने बहुत ही ब्यूटीफुल अपने हैंड प्रिंट लगा चुका है यहाँ। गाइस रयान इज मेकिंग अ फ्लावर सो वी आर आल्सो गोइंग टू नीड ग्रीन कलर सो लेट्स स्टार्ट एंड एज यू कैन सी जस्ट बाय टिश्यू नॉट इवन अ वेट टिश्यू जस्ट अ टिश्यू मोस्ट ऑफ द पेंट इज गॉन सो दे वर नॉट लाइंग व्हेन दे सेड इट वॉज इजी वॉशेबल सो नाउ रयान डिप योर वन फिंगर नो नो राइट Guys, now you can see that Rayan has successfully made a flower and here is the leaf, here is the flower and this is the stem going to the soil and Rayan's hand as you can see. So Rayan has made a very good drawing. So guys, we are making a caterpillar. So first we will have to color the leaf. Let's do it. Now we are going to put it down like a stamp and then almost just paste it. Okay. But now the caterpillar is still left. So we have to make the caterpillar also. Let me just clean my hand a little because I have to make a caterpillar. Can you imagine I'm making a caterpillar with my hands? And first we are going to do the red paint. Okay, it's feeling so weird. तो गाइस ये अभी कैटरपिलर नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी आईज लेग्स अभी नहीं बनी हुई है और अब हम लोग इसको मार्कर से बनाएंगे जब ये ड्राई हो जाएगा तो अभी हम लोग इसको रख देते हैं ड्राई होने के लिए। सो गाइस बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द दिस एक्टिविटी होल एक्टिविटी वी हैव टू प्रूव देम वी हैव टू प्रूव इफ द पेंट इज एक्चुअली वॉशेबल और नॉट सो नाउ लेट्स वॉश आवर हैंड्स एंड लेट्स सी इफ द पेंट इज वॉशेबल। हम लोग अपने वॉशरूम में आ चुके हैं और अपने हैंड वॉश करते हैं तो फर्स्ट रयान वी कैन तो गाइस आप देख सकते हैं रयान के हैंड तो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं लेकिन अभी मेरे भी तो बाकी हैं तो लेट्स सी। ओह माय गॉड गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमारी जबरदस्त पेंटिंग तैयार हो गई है बनके और ये बहुत अच्छी लग रही है। कैटरपिलर भी अच्छा लग रहा है और रयान का फ्लावर भी अच्छा लग रहा है। फ्लावर आप देख सकते हैं और रयान को पता नहीं क्या हो गया ये बंदर उनके ऊपर चढ़े हैं। तो गाइस आपको और एक्टिविटीज के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा तो आप रुकते क्यों हैं जाएं जल्दी से देखें। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो बट वी आर नॉट फिनिश्ड येट वी आर मेकिंग अनदर एक्टिविटी एंड डूइंग इट इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो सो यू हैव टू वॉच दैट ऑल्सो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अयान ब्लॉगर सो यू डोंट मिस अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस। अल्लाह हाफिज।